नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया जारी। सर्कुलर से पूर्व केंद्रीय मंत्री के देश छोड़ने के सभी रास्ते बंद। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से लापता है चिदम्बरम। INX मीडिया मामले में ईडी कर रही है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को नहीं मिली राहत। जस्टिस रमना बोले CJI तय करेंगे कि कब होगी सुनवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम के बचाव में उतरे राहुल गांधी। का CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पी चिदम्बरम का किया समर्थन। का वे भाग नहीं रहे, कानूनी हक का कर रहे इस्तेमाल। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कर 23 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। मंत्रियों में कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार और राजमंत्री हैं शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त सभी मंत्रियों को दी बधाई। का सभी को अगली जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील ने रामलला को बताया नाबालिग। रामलला वकील CS वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। कहा नाबालिग की संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही छीना। फ्रांस के विदेश मंत्री ने फोन पर पाकिस्तान को दी नसीहत। का संयम बरतें और द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए कश्मीर मुद्दा। अनुच्छेद 370 पर बांग्लादेश ने भारत के कदम को ठहराया सही। का कश्मीर से 370 हटाना भारत सरकार का आंतरिक मामला। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जाम्बिया के राष्ट्रपति एंगर लुंगू। लुंगू को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति लुंगू ने PM मोदी से हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। CM खट्टर ने जन आशीर्वाद यात्रा में कांग्रेस पर बोला हमला। का कांग्रेस के शासनकाल में मालामाल हुए नेता। उत्तरकाशी में बाढ़ राहत का सामान लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में पायलट समेत 3 लोगों ने गंवाई जान। इमरान का तख्तापलट करने के लिए सभी विपक्षी दलों ने कसी कमर। पाक PM पर लगाया कश्मीर बेचने का आरोप। राष्ट्रीय राजधानी को घेरने की दी चेतावनी। शक्तियों के दुरुपयोग पर पाकिस्तानी मेजर को आजीवन कारावास। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने सजा पर लगाई मुहर। इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद की दूसरी कक्षा में कराया प्रवेश। 7 दिनों तक इसी अंडाकार कक्षा में लगाएगा चक्कर। आर्थिक मंदी की चपेट में आया पार्ले बिस्किट का बिजनेस। 10,000 लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी में कंपनी। दिल्ली में 3 दिनों तक रौद्र रूप दिखाने के बाद शांत मूड में अमना। 5 घंटे तक स्थिर रहने के बाद अब घटने लगा जलस्तर। मेट्रो रेल के ट्रैक पर चढ़कर चोरों ने 1,000 मीटर तार काटा। नोएडा के थाना सेक्टर 49 के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने दी जानकारी। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में हिस्सा लेने नेपाल पहुंचे जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा करेंगे विदेश मंत्री। रविदास मंदिर गिराए जाने के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। झंडे बालान से रामलीला मैदान तक किया पैदल मार्च। पंजाब में बाढ़ और बचाव कार्यों में लगे सेना के जवान। हेलीकॉप्टर ने जालंधर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए भोजन के पैकेट। बीमार बच्ची के रोने पर शौहर की नींद में खलल, दे दिया 3 तलाक। मध्य प्रदेश में 21 वर्षीय महिला ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। भाकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भाजपा पर लगाया आरोप। बोले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है पार्टी, ऐसे माहौल में आर्थिक वृद्धि संभव नहीं। कश्मीर में दिन में प्रतिबंधों में जारी है छूट, लेकिन स्कूल नहीं आए छात्र। शहर के पौष इलाके और सिविल लाइन में हटाई गई बैरिकेटिंग। झारखंड में आयोजित किया गया मिट्टी के डॉक्टरों का सम्मान समारोह। CM ने मृदा परीक्षण की ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को भी किया सम्मानित। MP के पूर्व CM बाबूलाल गौर को CM कमलनाथ ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में घोषित किया 3 दिन का राजकीय अवकाश। IIT खड़गपुर ने खराब पानी को फिर से उपयोग में लाने की बनाई योजना। परियोजना की शुरुआत करने के लिए यूरोपीय संघ मुहैया कराएगा धन। अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने बोला हमला। का देश में गंभीर मंदी, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार। सऊदी अरब में बिना पुरुषों की इजाजत से विदेश जा सकेंगे महिलाएं। पासपोर्ट हासिल करने के लिए संरक्षक की नहीं होगी जरूरत। अफगानिस्तान से पूरी तरह से नहीं होगी अमेरिकी सैनिकों की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप बोले युद्धग्रस्त देश में सैनिकों का मौजूद रहना जरूरी। स्मार्ट सिटी सहित मोदी सरकार की कई परियोजनाओं की होगी समीक्षा। संसदीय समिति सभी एम्स बनाने की प्रगति का करेगी आकलन। NRC मुद्दे पर आशंकाओं के बीच सरकार ने दी सफाई। गृह मंत्रालय ने कहा नाम छूटने का मतलब विदेश नागरिक नहीं। केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर दिया भरोसा। बोले किसी चीज की नहीं होगी कमी, सरकार मुहैया कराएगी राहत सामग्री। राजस्थान सरकार ने आयोजित की पंचायती राज सशक्तिकरण संगोष्ठी। CM अशोक गहलोत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा में छोटे कारोबारियों को मिलेगी 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन।
18 से 40 वर्ष के लोगों को 60 साल के बाद मिलेगा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के लोगों को 1 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी बिजली। सीएम कमलनाथ बोले 100 यूनिट तक 1 रुपये की दर से देना होगा बिल। मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध 1 सितंबर से होंगे लागू। गडकरी बोले यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। अगले 18 महीनों में 10 लाख योनो कैश पॉइंट स्थापित करेगी SBI। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए उठाएगी कदम। विश्व जल शिखर सम्मेलन में जल संरक्षण और संचयन पर दिया गया जोर। गिरते भूजल स्तर जैसी समस्याओं पर दुनिया के विशेषज्ञों ने जताई चिंता। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। फैसले को बताया जनविरोधी। सरकार से की कीमतें वापस लेने की मांग। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन। शिकायत के बाद DM ने गांव करैना के लेखपाल को किया निलंबित। शाहजहांपुर में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लाइसेंस का सत्यापन करने के दौरान खुला राज। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। स्पॉट फिक्सिंग मामले में राहत मिलते ही श्री संत का बड़ा बयान। का 100 टेस्ट विकेट हासिल करना है मकसद। भारत वेस्ट इंडीज के बीच कल से होगी टेस्ट चैंपियन की शुरुआत। चुनौती के लिए तैयार है कप्तान विराट कोहली की सेना। पहले टेस्ट में 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज को हल्के में लेने की भूल पड़ सकती है भारी। कोहली के पास रिकी पोंटिंग से आगे निकलने का सुनहरा मौका। बतौर कप्तान 1 शतक लगाते ही पोंटिंग को छोड़ देंगे पीछे। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय अंडर-23 क्रिकेट टीम का ऐलान। 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए प्रियम गर्ग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।